अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आज का जो मेरा व्लॉग है मैं उसको लंच बॉक्स स्पेशल व्लॉग कहूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक व्लॉग एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ लंच बॉक्स रेसिपीज पे बनाएं। तो मैंने कहा चलें आज का व्लॉग मैं इसी ही खास एक थीम पर बना लेती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़ैना का ये बेंको लंच बॉक्स दिखा देती हूँ, जो आई गेस शायद ही कोई होगा जिसने इसका नाम ना सुना होगा। ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, जब स्कूल टर्म स्टार्ट हुए थे सितंबर में तब मैंने ये वीडियो शूट की थी, और मुझे पता था कि कभी ना कभी इस क्लिप की मुझे ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो आपको उसका क्लोज़र लुक दिखा देती हूँ। मैंने सेल से लिया था तो मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल गया था, लेकिन उसके बाद जब मैं देखा तो मैंने लंच बॉक्स दोबारा शॉप में, थोड़ा महंगा था, आई गेस 54 डॉलर्स का था। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया था कि आप इतना भरा हुआ लंच बॉक्स अपनी बेटी को देती हैं तो क्या आपकी बेटी ये सब खाना खा लेती है। तो देखिए, कनाडा में यहाँ पर आपका बच्चा खाए या ना खाए, आपको एक अच्छा हेल्दी लंच बॉक्स उसको फुल भर के देना होता है, जिसमें एक मेन कोर्स मील होनी चाहिए, स्नैक्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रेक्स होते हैं। आज आपके साथ चार क्विक एंड ईजी लंच बॉक्स रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी, जो मंडे टू थर्सडे मैंने ज़ैना को बना के दी थी। तो ये मेरे पास कल रात का एक लेफ्ट ओवर सालन है, आलू गोश्त का सालन, जो सिंपल सा हम बनाते हैं। तो पतीले में मैं डालूंगी 1 कप चावल, और ये लेफ्ट ओवर सालन में सारा इसके अंदर डाल दूंगी। इसका हम एक सिंपल सा पुलाव बनाएंगे होममेड मसालों का। इसके लिए आपको कोई अलग से मसाले बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से ही आपका पुलाव हो जाएगा। आप अंदाजे से पानी डाल दीजिए, इसके अंदर नमक डाल लें, एक हरी मिर्च डाल लें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लें। मैं जितनी भी ऑनलाइन ब्लॉग्स देखती हूँ, रेसिपीज़ देखती हूँ, उसमें काफ़ी सारे लोग मसाला राइस बनाते हैं, एक फ्रेश मसाला बनाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन सुबह सुबह ना इतना अलग से मसाला बनाना तो ये सब मुझसे नहीं होता। तो मैं बिल्कुल ही एक शॉर्टकट मेथड से एक पुलाव बना लेती हूँ, और ज़ैना भी शौक से खा लेती है, फीका सा एक पुलाव बनता है। एक चीज़ जो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप लंच बॉक्स की एक टेम्पलेट बना लें, जिसके अंदर आप डिसाइड कर लें कि आपको डेली बच्चे को क्या देना है। मेरी एक सिंपल सी टेम्पलेट है, मैं एक मेन कोर्स देती हूँ, उसके बाद दो स्नैक्स देती हूँ, जिसमें से एक स्नैक में फ्रूट देती हूँ और दूसरा स्नैक में स्टोर बॉट देती हूँ। तो आज का जो फ्रूट स्नैक है वो ऑरेंजेस हैं। एक ही मेरी सेपरेट सी ड्रॉर है जिसके अंदर मैंने तमाम अपने रेडीमेड स्टोर बॉट स्नैक्स रखे हुए हैं, और ये मैं वीकली ग्रोसरीज कर लेती हूँ, और ये ज़्यादातर मैं डील्स और सेल से उठाती हूँ। ये बहुत चीप सारे जो स्नैक्स हैं वॉलमार्ट से मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ मैं डॉलर स्टोर से भी ले आती हूँ। आज का जो रेडीमेड स्नैक है वो ये गोल्ड फिश क्रैकर्स हैं, जो ज़ैना बहुत शौक से खा लेती है, और पुलाव में खाने के लिए साथ में थोड़ा सा उसको योगर्ट दे दूंगी, जो कि वो बहुत शौक से खा लेती है। तो ये देखिए, बिल्कुल 10 मिनट में हमारा पुलाव रेडी हो गया, कोई भी आपको उसमें एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ा। मैं इसको पहले प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि लंच बॉक्स इसका प्लास्टिक का है। तो आज के मेन कोर्स में है सिंपल एंड प्लेन पुलाव, जो इतना बन गया है कि दोपहर में मैं और इब्राहिम भी अपना लंच इसी से ही कर लेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं आलू गोश्त बनाऊँ या चिकन का सालन बनाऊँ तो मैं लेफ्ट ओवर का इंतज़ार भी नहीं करती, बल्कि एक थोड़ा सा एक बोल जितना या एक कप जितना सालन मैं बिल्कुल अलग कर लेती हूँ, और उसी से ही मैं ज़ैना का पुलाव बना के उसको लंच बॉक्स में दे देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर लिया करिए, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये लंच बॉक्स देखिए हमारा रेडी है, झटपट बन गया, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और टेम्पलेट में एक बेवरेज भी मैं हमेशा उसको पीने के लिए देती हूँ, 2-3 टाइप के ही वो ड्रिंक्स पीती है। ये एप्पल जूस है, मिनट मेड का एप्पल जूस, वो मैं उसको दे रही हूँ। आज मैं आपको ज़ैना की अलग अलग वाटर बॉटल्स भी दिखा देती हूँ, और ज़ैना रोज़ अलग वाटर बॉटल लेकर जाती है, और वो मुझे रोज़ सुबह बताती है कि आज वो कौन से कलर की वाटर बॉटल दिखाएगी। तो मैंने कहा चलिए ये क्लिप भी मैं इंक्लूड कर दूँ, ताकि आपको पता चले कि सुबह सुबह हम मॉमीज़ के पास कितने एक्स्ट्रा चैलेंजेस होते हैं और कितने अलग अलग टास्क होते हैं जो शायद कभी काउंटिंग में आते ही नहीं है। ट्यूसडे के लंच बॉक्स में मैं ज़ैना को दूंगी ब्राउन ब्रेड का चिकन सैंडविच, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी बोनलेस चिकन ली है, और मैं इसमें डालूंगी नमक और फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। आप यहाँ पे कोई भी मसाले डाल सकते हैं, टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि बच्चे इतनी ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते, मेरी बेटी तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करती। तो मैं ऐसा अगर कोई पकाने का काम होता है ना, तो मैं सबसे पहले यही काम स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा तेल मैं ड्रिजल करूँगी और उसके अंदर मैं चिकन पकने के लिए रख दूँगी, और फिर उसके बाद मैं दूसरे काम करती हूँ, जैसे ज़ैना को तैयार करना या उसको शावर देना या उसको ब्रेकफास्ट कराना। तो बाय द टाइम ये सारे काम होते हैं तो मेरे ऐसे साइड में कुछ ना कुछ वो पकता ही रहता है लंच बॉक्स का आइटम, तो इसके लिए आपकी काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये देखें चिकन मेरी रेडी हो चुकी है, मैंने इसको हाथ से ही तोड़ के छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसके अंदर मैं बटर डाल रही हूँ, बटर एक्चुअली रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, मुझसे थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, बट दैट्स फाइन। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ म्यूनीज,
श्रेडेड मोज़रेला भी डालूंगी। वैसे अगर आप श्रेडेड चेडर चीज़ डालें तो ज़्यादा अच्छा है, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। आपको पता है मोज़रेला थोड़ी सी फीकी होती है, लेकिन यहाँ पर हम चेडर चीज़ अवॉइड करते हैं, इसलिए मैं मोज़रेला मिला रही हूँ। आपको उसको मेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस अच्छा करके आपको इसका एक सैंडविच का बैटर रेडी कर लेना है। मैंने ये ली है ब्राउन ब्रेड, अगर आपके बच्चे व्हाइट ब्रेड पसंद करते हैं तो आप व्हाइट ब्रेड में बना लीजिए, और उसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके तमाम बैटर स्प्रेड कर दूंगी थोड़े से घी के अंदर, या चाहे तो ऑयल ले लें, मैं उसके अंदर उसको फ्राई कर लूंगी। ये सैंडविच आप आराम से टोस्टर में बना सकते हैं, या ग्रिल सैंडविच मेकर होता है आप उसके अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस पर कुछ भी नहीं है तो मैं तवे पर बना लेती हूँ, उस पर भी अच्छा डिसेंट बन जाता है। और ये आप उसको बीच से कट कर लें, क्रॉस लगा लें। ये देखें बिल्कुल मिनटों में, आप समझ लें 5 से 10 मिनट में मेरी आज की मेन कोर्स मील बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं इसमें तो नहीं दूंगी, बस ऐसी पिक्चर खींचने के लिए मैंने इसमें लगा दिए, बाद में मैंने उसको एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर लिया है। आज के स्नैक में मैं उसको एप्पल्स दे रही हूँ। अक्सर ये सवाल आता है कि एप्पल्स काले नहीं हो जाते, तो बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन मेरी बेटी खा लेती है, वो थोड़े से डिसकलर्ड एप्पल्स भी खा लेती है, तो मुझे इतना मसला नहीं होता। और ये स्टोर बॉट ब्राउनीज हैं जिसको मैंने ऐसे बीच से कट करके हाफ कर लिया है। जना बहुत शौक से ये ब्राउनीज खा लेती है। ये लाइट से बिस्किट्स भी दे रही हूँ मंचिंग के लिए। सैंडविच के साथ खाने के लिए मैंने थोड़ा सा केचप भी दे दिया है। और ये आज का हमारा ट्यूसडे का लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी है। वेंसडे के लंच बॉक्स के लिए मैंने 1 कप पास्ता है, जो मैंने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले यही काम किया था कि मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पास्ता आपस में स्टिक ना हो, तो आप बॉईल पास्ता में ऐसे थोड़ा सा तेल ड्रिजल करके उसको मिक्स कर लें, तो आपका पास्ता बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा आपस में। ये कल रात मैंने चाउमीन बनाया था, उसकी मैंने चिकन थोड़ी सी अलग कर ली थी, तो उसी की चिकन है, अलग से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्न्स, ये कैन वाले कॉर्न्स हैं तो उनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप में से जो लोग मेरा व्लॉग शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं पास्ता सॉस है, मैं हमेशा उसको फ्रीज करके रख देती हूँ, और इस वक्त मैं 2 क्यूब्स पास्ता सॉस के इसमें डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। श्रेडेड मोज़रेला अब इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं वंस अगेन आपको रिकमेंड करूँगी कि आप चेडर चीज़ ही यूज़ करिएगा, उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर होता है। इसको अच्छी तरह से पहले मैं मिक्स करूँगी, और ढककर आप इसको हल्की आंच पर बस 5 मिनट के लिए पका लें। 5 मिनट में आपका चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा, और ये जो पास्ता आपको फ्रोज़न दिख रहा है ये भी डिफ्रॉस्ट होकर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये कपकेक से तो आप अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे, आई गेस ये तो पाकिस्तान की पहचान है। ये मैं देसी स्टोर से लेके आती हूँ, ज़ैना बहुत शौक से खाती है। स्नैक्स में आज मैं उसको थोड़े से कॉर्न्स दे रही हूँ, कभी कभी रूखे भी वो शौक से खा लेती है। और आज फिर मैं उसको ऑरेंजेस ही दे रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि वो बस वो 1-2 टाइप के ही फ्रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की वैरायटी वो नहीं शौक से खाती, तो बस 2-3 टाइप के ही फ्रूट्स हैं, तो ऑरेंज आज उसको फिर से दे रही हूँ। ये देखिए पास्ता मेरा रेडी हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। बस 5 मिनट्स लगे मुझे पास्ता बनाने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। ये ओरियो मिनी बिस्किट्स हैं, आपको पता ही होगा ये जैना बहुत शौक से खा लेती है, तो आज इसको ये भी दे रही हूँ। ये देखें पास्ता हमारा रेडी है, बहुत टेस्टी लग रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं खा लूँ। तो ये लीजिए आपके सामने है वेंसडे का टेस्टी और डिलीशियस लंच बॉक्स, बिल्कुल जल्दी बन गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और हाँ, ट्यूसडे वाले दिन मैं उसको बेवरेज देना भूल गई, तो आज उसको योगर्ट ड्रिंक दे रही हूँ, और वाटर बॉटल में आज वो अपनी फ्रोजन थीम वाली वाटर बॉटल लेकर जाएगी। वेंसडे वाले दिन मैं उसको आलू का पराठा बना के दूंगी, लेकिन इतना ट्रेडिशनल स्टाइल का नहीं, थोड़ा सा हट के आज मॉडर्न स्टाइल का पराठा उसके लिए बनाऊंगी। आई एम श्योर आप वाकिफ तो होंगे स्टाइल से। एक ये आलू मैंने लिया है, ये उबला हुआ आलू है, आप चाहें तो उसको एक रात पहले ही उबाल के यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप कद्दूकश कर लें। आप उसको फोर्क से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकश का एक फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर लम्ब्स नहीं रहते, यानी गुठलियाँ नहीं रहती। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं जो मसाले आपको अच्छे लगते हैं, धनिया ज़रूर डालिएगा, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि आपको पता है बच्चे बड़े पिकी होते हैं, कभी कभी हरी सब्जियां उनको देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें क्या पैक करके दे दिया है। मैं आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और आप हाथ से भी चेक कर लीजिएगा कि इसके अंदर कोई लम्ब्स ना रह जाएं।
एक छोटा सा मिसअप ये हो गया कि जब मैंने पराठा बनाना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला घर के अंदर आटा ख़त्म हो गया है, इस वजह से मैं आधा कप मैदा ले रही हूँ। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप होल व्हीट यानी चक्की वाला आटा ही यूज़ किएगा, क्योंकि आलू के पराठे तो उसी के ही अच्छे लगते हैं। और इसमें एक चुटकी नमक डाल दिएगा। अब पानी मिला के मैं इसका एक बैटर बना लूँगी, पतला सा, जैसे हम क्रेप्स का बैटर बनाते हैं ऐसा। और फिर उस बैटर के अंदर मैं अपने तमाम आलू डाल लूँगी। आप चाहे तो ट्रेडिशनल स्टाइल का भी पराठा बना सकते हैं, वो मुझे बल्कि ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन सुबह सुबह ना ये स्टफिंग करना और ये बहुत ज़्यादा जो मेहनत वाले काम होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। सुबह सुबह तो बस ईजी और क्विक रेसिपीज़ ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका ये बैटर बना लिया है। इस वक्त वीडियो में बैटर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा है, लेकिन बाद में जब मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया था। ये पैन को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और ये देखें, इस वक्त आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना अच्छा और पतला बना है। बिल्कुल जैसे हम क्रेप्स बनाते हैं ना, आपको बिल्कुल ऐसे ही पराठा बनाना है। ये जब एक साइड से हो जाए तो आप इसको पलट लें और हल्का सा आप इसको ग्रीस कर लें, बहुत ज़्यादा आप इस पर तेल नहीं लगाइएगा। और ये देखें कितना अच्छा पराठा है, कितना टेस्टी लग रहा है। बिल्कुल 5 मिनट्स लगे मुझे ये पराठा बनाने में, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। इसको दोनों साइड से थोड़ी देर तक पकाएं, तभी जाकर ये थोड़ा अच्छा क्रिस्पी सा बनेगा। अब एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके आप पीसेस बना लें, मैं 4 पीसेस बना लूँगी। और ये देखें कितनी जल्दी आज का हमारा मेन कोर्स बन गया। ज़रा शौक से खा लेती है ये वाला पराठा, लेकिन जब हम अपने लिए बना रहे होते हैं तो फिर वही ट्रेडिशनल स्टाइल से ही बनाते हैं। ये मिनी प्रेट्जल्स हैं जो मैंने डॉलर स्टोर से लिए थे, ये 2-3 डॉलर के मिल जाते हैं। अच्छा बड़ा साइज का बैग होता है एंड दे कैन लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम। आज के फ्रूट्स में जैना को मैं दे रही हूँ अंगूर। यहाँ पे जो अंगूर होते हैं ना, वो यूजुअली ऐसे ही बड़े साइज के मिलते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के वो जो छोटे छोटे अंगूर होते हैं ना टेस्टी से, वो नहीं मिलते, तो इसलिए मैं उसको काट के दे रही हूँ। और इन अंगूर की फ्रूट चाट भी बहुत अच्छी बनती है, तो रमज़ान में तो ये वाले अंगूर हमारे यहाँ डेली आते हैं। और मिनी ओरियो बिस्किट का पैकेट जो मैं लेके आई हूँ उसको ख़त्म तो करना है, तो एक दो मैं साइड पे दे रही हूँ। ऑलरेडी इस किस्म के जो कुकीज़ वगैरह जो होते हैं ना, वो आपको फ्राइडेस को भेजने होते हैं, लेकिन कभी मैं साइड में छोटे मोटे से कुकी दे देती हूँ क्योंकि ज़ैना को अच्छा लगता है। और पराठों के साथ खाने के लिए मैं उसको थोड़ा सा योगर्ट भी पैक करके दे रही हूँ। ये लीजिए, थर्सडे का भी लंच बॉक्स बिल्कुल रेडी है, वेरी क्विक, वेरी सिंपल, सुपर फास्ट। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने फ्राइडे का लंच बॉक्स इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जैना की छुट्टी थी पेरेंट्स टीचर मीटिंग की वजह से। तो चलिए, उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।